कि सांस की तकलीफ जो है आम आदमी को भी और जिन लोगों को सांस की बीमारी है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है या हार्ट की प्रॉब्लम है, उन लोगों में ये तकलीफ बढ़ सकती है, सांस की तकलीफ ज्यादा हो सकती है, उसके कारण ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो सकती है और इमरजेंसी विजिट्स ज्यादा हो सकती हैं। ओपीडी में भी पेशेंट्स ज्यादा तादाद में सांस की बीमारी तकलीफ के साथ आ रहे हैं और इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू एडमिशन, ओपीडी रेफरल्स पेशेंट्स में ही बढ़ रहा है और जो आम आदमी हैं जिनको कोई रेस्पिरेटरी या सांस की तकलीफ नहीं है उनको भी सांस लेने में घुटनसी हो रही है। कई ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको कोई दमा या सांस की तकलीफ नहीं है लेकिन वो ये कहते हैं कि रात को उनके सांस ले नहीं पाते, चेस्ट में टाइटनेस लगती है, छाती से आवाज आने लगती है सीटी जैसी, या खांसी हो रही है और कभी कभी आंखें में भी आंखें लाल हो जाती हैं, इरिटेशन होती है और आंखों से पानी भी आ जाता है।